एक मिनट, राइट द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग, इनकी शेप्स बतानी है। जैसे ये कौन सी शेप में बना हुआ है? सर्कल। ये नो, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ये है स्क्वायर शेप में, ठीक है। ये ट्राइंगल, ये ओवल, नॉट सर्कल। सर्कल पूरा सर्कल होता है। दोबारा देखो, ये हमारी होती है सर्कल की शेप, ये होता है हमारा रेक्टेंगल जिसमें टू साइड्स जो है इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, आया समझ। उसके बाद स्क्वायर में फोर साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, चारों इक्वल होंगी, समझ लो, समझ लो। अभी ट्राइंगल, ट्राइंगल हमारा ये होता है, और ओवल ये होता है। सर्कल और ओवल में डिफरेंस क्या है, देख गया पूरा सर्कल ही थोड़ा सा। हाँ, ये ओवल शेप में होता है, जैसे एग भी आपका ओवल शेप में होता है। ये कौन, ये एग ही है वैसे, यहाँ पे देखो एग ही बनाया मैम ने। ये कौन सी शेप है? ओवल की शेप है, आया समझ। हाँ, अब तुम्हें इस, हाँ आगे 23, आगे 24, 34, 25, 25, 25, हाँ आगे 26, बहुत गंदा लिखा है, दोबारा से लिखो इसको 26, 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
27 आगे क्या आएगा? 28 हाँ आगे करो भैया ऊपर से पढ़ो जल्दी से कबूतर आगे खासे खरगोश हाँ 30 30 लिखो 30 30 लिखो जल्दी भैया हाँ यहाँ लाइन डाल दो बन जाएगा खासे खरगोश रुको अच्छा बनाए थे हाँ अब कौन सी लाइन आएगी 3 1 यहाँ देखो यहाँ कौन सी लाइन थी 2 1 थी ना अब कौन सी लाइन आएगी 3 1 31 3 2 हाँ बोल के लिखो जल्दी से 3 1 आपने टोटल अंदर बनाए थे हाँ इन वाले पे किया है सर्कल मेरा काम हो गया जो इन होते हैं इन कौन से होते हैं हाँ गुड इसमें जो चित्र है ना उसकी परछाई को आपको मिलाना है ठीक है इससे जैसे कि ये एलिफेंट है ना तो एलिफेंट की परछाई किधर है यहाँ पे वेरी गुड और लॉयन बोलते हैं ना हम किसी बात पे ओ वो वाला ओ है ये ठीक है स्टार्ट करो ओ सी हेड द साइन साइन क्या है साइड 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 द टॉयज साइड द टॉयज टुगेदर नेट दिस एक्साइटमेंट इन द शॉप Among the toy. ठीक है क्या हुआ था नेक्स्ट डे दे सॉ वुमेन उसने क्या देखा कि अगले दिन जो है एक वुमेन जो थी वो आई हर सन कमिंग उसके साथ एक जो उसका बेटा था वो आया इन देयर वॉज अ एक्साइटमेंट इन द शॉप तो शॉप में क्या हो गया एक्साइटमेंट हो गई है ना क्यों हो गई कि अब ये मेरे यहाँ आए हैं तो कुछ लेंगे इसलिए एक्साइटमेंट हो गई ठीक है 2 मिनट रुक जाओ जो है झूम झूम कर चलता है ठीक है हाथी के साथ कौन कौन घूमता है धरती बादल सूरज चांद सितारे चुनिया मुनिया और राज दुलारे राज दुलारे की स्पेलिंग है रॉन्ग दुलारे ला ला में आ की मात्रा की साउंड आ रही है तो फिर दुलरे लिख दिया आपने राज दुलारे होगा ठीक है यहाँ पे आ की मात्रा करो अगला भी समझ लो दो दो करके लर्न करना हाथी कौन चलाता है पीलवान हाथी के साथ कौन कौन झुमका
झूमता है। हाथी के साथ कौन कौन झूमता है? राजा, रानी, राजकुमार, घोड़े, फौज और दरबार झूमता है। झूमता की स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पे झ में उ पड़े उ की मात्रा लगाओ। समझ में आया? चलो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जीके की वर्कशीट है। परसों एक बच्चे का एग्ज़ाम है जीके का, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं एग्ज़ाम से पहले एक वर्कशीट तैयार करके दे देती हूँ, जितना भी टेस्ट में रिवीजन हो रखा होता है उन सब का, ताकि जो है बच्चे को अच्छे से पेपर की तैयारी हो जाए। और उसके बाद मैं एक टाइम लिमिटेशन देती हूँ, इसी टाइम लिमिटेशन में बच्चा जो है पेपर करता है। तो आप भी इसी तरीके से तैयारी करवाएं। अगर बच्चे का पेपर है तो आप जो है टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको अच्छे से तैयार करके दे दें, और एक टाइम लिमिटेशन दे दें कि आपको 1 आवर में इतना करना है या 2 आवर में इतने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। इससे बच्चे को क्या है, एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी और बच्चे को हैबिट रहेगी लिखने की, लिखने की मेन प्रैक्टिस हो जाएगी कि मुझे इतने ही टाइम में कम्प्लीट करना है। तो गाइस, वीडियो को मैं अब करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरी ये ट्यूशन वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं लास्ट में अपने सारे व्यूवर्स को थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतना ढेर सारा प्यार दिया।